कानपुर में पिछले 20 दिनों से सीए के खिलाफ जारी जो धरना था वो खत्म हो गया है। यहाँ के बाबूपुरवा में ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। मुस्लिम महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में धरना दे रही थी। और नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, आखिरकार 20 दिनों से जो धरना जारी था सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर, वो खत्म हो गया है। क्या प्रशासन की तरफ से जोर आजमाइश की गई थी कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए? और कहा जा रहा है कि ज्ञापन भी डीएम को सौंपा गया है, क्या कुछ इस ज्ञापन में कहा गया है? देखिए, आपको बता दूं, लगातार जब से कानपुर में सीए को लेकर हिंसा हुई थी उसके बाद से लगातार लोग जो है इसके सीए के विरोध में समर्थन प्रदर्शन कर रहे थे। बाबूपुरवा के साथ साथ बेकनगंज इलाके में महिलाएं बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर रही थी, जहां पे रोड पुलिस के लिए मुसीबत बनी हुई थी, इसलिए कि कई बार वो लोग मानव श्रृंखला बना रहे थे तो कई बार सड़क से चौराहे की तरफ जा रहे थे। इन सब चीजों को लेकर लगातार पुलिस जो थी काफी परेशान थी कि कहीं कोई वाद विवाद न बढ़ जाए। इसको लेकर आज डीएम और एसएसपी पहुंचे हैं और महिलाओं से बातचीत करी। काफी समझाने के बाद उन्होंने महिलाओं से ज्ञापन लिया और उसके बाद ये समाप्ति हुई है, जिसको पुलिस तो मान रही है। इसके अलावा इससे पहले ऐसी चीजें कही गई कि उसमें कुछ लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग इसको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं उन पर राजस्व लगेगी, देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। तो इन सब चीजों के बाद, समझाने के बाद महिलाएं जो है वो मान गई है, उनका ज्ञापन ले लिया गया है। उसके बाद अब जो चीजें हैं वो सामान्य दिख रही है। चलिए, धन्यवाद आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए।